प्रोटीन का राजा, सेहत का भंडार, मिनरल्स और विटामिन से भरा ये नाश्ता आपकी तबीयत को तर करने के साथ, दुरुस्त करने के साथ साथ हेल्दी तो है ही, आपको मजा भी दिला देगा। स्वाद में बढ़िया है। मूंगफली और चावल की मदद से ये नाश्ता बनाया गया है। इसे तैयार किया गया कुछ इस तरीके से कि आपकी सेहत में चार चांद लगाए। आपके दिन भर की प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन्स जो भी शरीर को ज़रूरत होती है, शरीर की एक्टिविटीज़ के लिए, चुस्ती दुरुस्ती फुर्ती के लिए, उसको पूरा करने की कोशिश करें। तो चलिए सबसे पहले हमें एक कटोरी इस रेसिपी को बनाने के लिए चावल ले लेना है, छोटी कटोरी, और उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने से चावलों का एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाएगा। और वॉश करने के बाद दोस्तों आप इसको एक छलनी पे निकाल लीजिए ताकि इसका सारा एक्सेस पानी निकल जाए और ये चावल जो है वो सूख जाए। तो चलिए दूसरी तरफ अब हम एक कढ़ाई या फिर एक पैन ले लेते हैं। इन चावलों को सूखने दीजिए और वहाँ पे आप पैन में थोड़ा सा ले लीजिए जीरा। तो ये सूखने के लिए छोड़ा और यहाँ पैन में डाल दिया थोड़ा सा जीरा, साथ ही में डाल दीजिए थोड़ा सा सौंफ, दो डाल दीजिए साबुत लाल मिर्ची, थोड़ा सा डाल दीजिए मूंगफलियाँ आधा कटोरी, और इसे हल्का सा भून लीजिए। दूसरी तरफ हमारे जो चावल हैं वो भी थोड़े ड्राई हो गए होंगे, तो उसे अब इसमें डाल दीजिए। इसको आपको बिना तेल से एकदम ड्राई रोस्ट सूखा भूनना है, और तब तक भूनना है जब तक ये सारी चीज़ें ठीक ठाक पक ना जाएं, एरोमेटिक ना हो जाएं, थोड़ी खुशबू ना आने लगे मूंगफली की, चावलों की। चावलों की कच्ची कच्ची सी एक खुशबू आने लगती है, जीरा भुनने की एक खुशबू आने लगती है। तो अच्छे से आपको इसको पका लेना है नॉर्मल लो आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए। नॉनस्टिक लेंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और उसमें आपका फ़ायदा है, लेकिन अगर नॉनस्टिक नहीं भी होगा तो ध्यान रखिए बस इसे चिपकने मत दीजिएगा, हल्के हाथ से धीमी आंच पे चलाते रहिए। तो 2 से 3 मिनट के बाद हम गैस को बंद करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी 2 से 3 मिनट नहीं हुए हैं, हम थोड़ा समय लेते हैं ताकि आपको दिखा सके कि 2 से 3 मिनट के बाद कैसे आपको पता लगाना है कि ये सारी की सारी सामग्री जो है पक चुकी है। हमें क्या करना है, हमें एक मूंगफली का दाना उठा लेना है और उसका छिलका उतार के देखना है। अगर वो छिलका आसानी से उतर गया है तो इसका मतलब ये ठीक ठाक पक चुका है, नहीं तो अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। तो मैं ले लेता हूँ फटाफट से एक मूंगफली का छिलका और फिर कोशिश करता हूँ कि अच्छे से शायद पक ना गई हो। ये देखिए, ये छिलका उतारने में थोड़ी सी मुझे कठिनाई हुई है, लेकिन उतर गया है। इसका मतलब 1 से 2 मिनट में इसे हल्का और पका लेता हूँ। तो जो चावल और मूंगफलियाँ हैं और जो हमने चीज़ें इसमें डाली हैं, जीरा, हरी लाल मिर्च साबत, वो सब पक जाएगी। गैस कर रहा हूँ दोस्तों मैं बंद, और फटाफट से इसको एक बर्तन में निकाल रहा हूँ, लेकिन मैंने इसे हल्का सा ठंडा होने दिया था। अब मैं इसे मिक्सी के जार में पीस के इसका एक पतला पाउडर तैयार कर लूँगा। ये मिनरल्स और विटामिन्स और प्रोटीन से भरपूर नाश्ता आपकी डेली प्रोटीन नीड में आपकी मदद करेगा, विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत में आपको मदद करेगा। तो अच्छे से हमने मुहिम पीस लिया है, इसको एक बर्तन में निकाल लीजिए। ये देखिए, तो चलिए दोस्तों अब इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे, जैसे हरी मिर्ची, कटा हुआ प्याज थोड़ा सा डाल दीजिए, उसके बाद टमाटर, और साथ ही में दोस्तों हम इसमें डाल देंगे धनिया। ये सारी की सारी सामग्री डालने के बाद इसमें डाल दीजिए थोड़े से मसाले, जो भी आपको स्वाद अनुसार पसंद हो, काली मिर्च हो गए, नमक हो गए, लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, बस सबको डाल के अच्छे से ड्राई मिक्स करिए, और उसके बाद इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लीजिए और इसका एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये आपकी डाइट के लिए अच्छी है, सेहतमंद है, मज़ा भी पूरा आता है, स्वाद भी पूरा है। तो इसको अच्छे से मिक्स करिए, घोल लीजिए, और एक गाढ़ा पेस्ट इसका तैयार कर लेंगे हम। अब आप इसके या तो चीले बना सकते हैं या फिर आप अपम पैन में इसको इडली की तरह पका सकते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं आप इसे कैसे पका सकते हैं। पहले इसका पेस्ट कैसा होना चाहिए वो देखिए, कितना गाढ़ा या फिर कितना पतला होना चाहिए वो भी मैं आपको दिखा लेता हूँ। ये कुछ इस तरीके से फाइनली पेस्ट हमें मिल जाएगा। अब मैंने जैसे आपको बताया था, या तो आप इसे अपम पैन में बना सकते हैं या फिर चीला बना सकते हैं। तो अपम पैन में गया, थोड़ा सा डाल दीजिए इस पर मक्खन या बटर या फिर घी या फिर ऑयल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, सारे के सारे में डाल के अब धीरे धीरे ये सारी सामग्री इसमें डाल लेते हैं। ये घी हमने बहुत थोड़ा लगाया है, बहुत नाम मात्र का है, और आपकी सेहत और स्वाद दोनों में आपको मदद करेगा। गाय का घी है, बिल्कुल ऑयली नाश्ता नहीं है, रोस्ट भी हमने भुना भी एकदम ड्राई था। ये देखिए, एक एक करके सारे के सारे अपम पैन्स के जितने भी मोल्ड्स हैं उनको फिल कर लीजिए, भर लीजिए, बस उतना भरिए जितना इसमें आ सकता है।
और ये आपकी बढ़िया रेसिपी तैयार हो जाएगी। हेल्दी है, मिनरल्स और विटामिन से भरपूर है, स्वादिष्ट है, मज़ेदार है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे को ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, इसे धनिये की चटनी के साथ खाएं, इमली की चटनी के साथ खाएं, टमाटर की चटनी के साथ खाएं, मज़ा तो आना ही है। तो ये दोस्तों हमारी रेसिपी बनके तैयार है, बस इसको अब मैं क्या करूँगा, थोड़ी देर के लिए ढक लूँगा ताकि ये अच्छे से पक जाए। ढकने के लिए आपको कोई भी इसका कवर हो, ढक्कन हो, लगा लीजिए, ये देखिए, ताकि ये ऊपर वाली साइड से पक जाए और नीचे से करारा हो जाए। एक मिनट के बाद ढक्कन हटा लिया है और अब इनकी साइड्स को पलट लीजिए, थोड़ा सा घी लगा लीजिए अगर आपको लगे ज़रूरत है, नहीं तो वैसे भी नॉनस्टिक है, इजीली पलटी जाएंगी साइड्स। तो चलिए साइड्स को पलट लेते हैं। ये आपकी रेसिपी लगभग बन के तैयार है, अब इस साइड से भी पक जाएगा, इजीली निकल जाता है, नॉनस्टिक पैन होता है तो सारी सामग्री, सारे के सारे में झटपट पलट लेता हूँ। ये देखिए अब हमने जो है सारे के सारे पलट लिए हैं, अब इधर से पक जाएगा। एक से डेढ़ मिनट के बाद मैं फटाफट से इसे एक प्लेट में निकाल के खा लेता हूँ, गैस को सिम कर दिया है एकदम, और अब ये पक चुके हैं दूसरी साइड से भी, तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेता हूँ। कैसी लगी दोस्तों ये बढ़िया हेल्दी नाश्ते की रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा।